यार आजकल ना एक चाइनीज सैलेड बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, तो हमने सोचा कि चलो हम भी ट्राई करके देखते हैं, चाइना का कुछ आइटम बनाते हैं। वर्थ इट है भी या नहीं? बेसिकली ये ना खीरे से और स्प्राइट से बनता है, अजीब सा कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये एक्चुअल में खीरे और स्प्राइट से बनता है। कई लोग इसे ना चाइनीज पिकल भी बोल रहे हैं, कई चाइनीज सैलेड भी बोल रहे हैं। कमेंट्स करके बताओ आपके एग्जैक्टली ये है क्या, चाइनीज सैलेड है या पिकल है, और अगर आपने इसके बारे में सुना तो वो भी तो बताना। यार सबसे पहले तो आपको एक कुकुम्बर लेना है, उसके पतले पतले लंबे लंबे स्लाइसेस काटने हैं। उसके बाद आपको उसके अंदर थोड़े से नींबू के स्लाइसेस और थोड़ी सी ग्रीन चिली काट के डालनी है। उसके बाद आपको उसके अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी और उसके बाद विनेगर और लास्ट में स्प्राइट डाल के इसको ऊपर तक भर अब दो। इसे 2 आवर्स के लिए फ्रीजर में रखना है और फिर निकाल के खाना है, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा या होगा। इसका हल भी चाइना के बाकी सामानों की तरह होगा, चले तो चांद तक वरना ये शाम तक। यार तो चाइनीज सैलेड सुनने के बाद शायद हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, बट ये इतना कुछ खास टेस्ट नहीं कर रहा था। क्यूकुम्बर की स्लाइसेस में से थोड़ा मीठा वाला टेस्ट आ रहा था स्प्राइट की वजह से, बाकी ना चिल्ली का भी थोड़ा फ्लेवर आया था, पर इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। हमारी फैमिली में भी सबको ठीक ठाक लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो अभी ट्राई कर सकते हो, इतना भी बेकार नहीं था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।